सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है एक्सरसाइज नहीं कहेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्स ऑफ फंक्शन। देखिए फंक्शन इस टॉपिक में अगर आप पहुंच गए हैं तो इन्वर्स मतलब फंक्शन पढ़ चुके होंगे, रिलेशन फंक्शन पढ़ चुके होंगे, तभी आप पहुँचे होंगे ना। तो फंक्शन की पूरी प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो कहते हैं एक फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, हमने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको रुक जाइएगा, अभी इसको तो समझिएगा नहीं, क्योंकि डेफिनेशन का मतलब समझ लीजिए। चलिए, लिखा है फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी सच दैट वाई टू एक्स, एक कैपिटल वाई मान लो, कैपिटल जो हम लिख रहे हैं वो सेट होता है और स्मॉल लिखते हैं तो एलिमेंट होता है, सच दैट गॉफ एक्स इज इक्वल टू आई एक्स आइडेंटिटी फंक्शन एंड फॉग वाई इज इक्वल टू आई वाई। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया ना, अब मुझे भी नहीं आया, अभी मत समझो, छोड़ो इसको, भूल जाओ, भूल गए, ठीक है। अब जरा समझिएगा कुछ बातें, इन्वर्टिबल का मतलब इन्वर्स, का बोले तो उल्टा, यानी अगर एक फंक्शन सीधा बन रहा है तो उल्टा भी उसका फंक्शन है कि नहीं है, उसको समझने के लिए एक एग्जांपल समझा जाए तो ज़्यादा आनंद आएगा। देखो ध्यान से, जैसे ये एक सेट है ए और एक ये सेट है बी। अब इसके पहले कि आप समझें, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने इसके पहले जो फंक्शन पढ़ाया गया है उसका कॉन्सेप्ट समझा है कि नहीं समझा है। अगर वो नहीं समझा है तो ये मत समझिएगा, ये समझ में आएगा, ये समझ में तभी आएगा जब वो समझा होगा। समझ में आया? आइए, ठीक है। देखिए अगर मैं ए के एलिमेंट लेता हूँ 1 2 3 4, है ना, और बी के लेता हूँ ए बी सी डी ई 1 का, और ये दोनों एक फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इस प्रकार से डिफाइंड है। ये भूल जाइए, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। 1 बी से जुड़ा हुआ है तो लैंग्वेज क्या लिखते हैं कि एफ 1 इज इक्वल टू बी, और बी क्या होता है, बी इज द इमेज ऑफ 1, ये होता है ना। 2 ए से जुड़ा है यानी ए इज द इमेज ऑफ 2, ये सी से जुड़ा है, ये डी से जुड़ा है। क्या ये फंक्शन एफ डिफाइंड है कि नहीं है, है ना, यानी कि f such that a to b is a function, ये तो मालूम हो गया। अब ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है इसके लिए जरा बात करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको b से a के बीच में एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। यानी अगर a से b में, ये एक्स वाई को आप ए बी मान लो, अगर a से b में फंक्शन f है तो एक इन्वर्टिबल फंक्शन b से a में जाना पड़ेगा। तो b से a में भी फंक्शन g है कि नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको b के पास जाना पड़ेगा। आ गए, ठीक, आ गए। आने के बाद हमने कहा कि भैया इधर से 1 की इमेज कौन थी, b, हमने उल्टा कहा, हमने कहा b आप कौन है, तो b ने कहा दादा हम 1 की इमेज हैं। हम कहा अच्छा, अगर फंक्शन इधर से इधर होता तो आपकी इमेज कौन होता, तो b की इमेज कौन होता, 1, पल्ले पड़ी बात। अच्छा 2 की इमेज इधर से a है और इधर से ए की इमेज कौन है, 2। 3 की इधर से इमेज सी है, इधर से सी की इमेज कौन होगी, 3 होगी। अभी है तो वो प्री इमेज, लेकिन अगर फंक्शन इधर से हम लेके चलते हैं बी टू ए तो ये इमेज बन जाएगा ना। डी की इमेज 4, ई की इमेज कौन है, कोई नहीं, क्योंकि इधर से डी ई किसी की इमेज ही नहीं थी। तो क्या उधर से जाओगे तो फंक्शन डिफाइंड है, नहीं, क्योंकि फंक्शन के पहले क्या कहा गया था, फंक्शन के लिए कहा गया था कि अगर ए से बी में कोई ऐसा रिलेशन हो ठीक है, कि 1 की दो इमेज ना हो, 1 की दो इमेज ना हो। देखो अगर 1 की दो इमेज हैं तो रिलेशन तो हो सकता है, वो रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। फंक्शन ने के कहा गया दो इमेज ना हो और इधर कोई एलिमेंट छूटे ना। अब यहां अगर उल्टा लेंगे ना तो ये छूट गया, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन के लिए पहली बात, इधर कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, यानी कि ये ऑन टू होना चाहिए, समझी बात, और 1 1 होना चाहिए। यानी अगर कोई फंक्शन इधर से 1 1 ऑन टू है तो उधर से वो इन्वर्टिबल होगा, ठीक। अब एक एग्जांपल 1 1 ऑन टू का ले लेते हैं। देखो ध्यान से, पहले तो समझोगे ना कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं है, वो समझना पड़ेगा ना। जैसे हम सेट ए ले लें, ये सेट बी ले लें, ए ले लें बी ले लें, इसका एलिमेंट 1 2 3 4 5, इसका ए बी सी डी, 1 का इमेज ए, 2 का इमेज ए, 3 का इमेज ये, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये।
ये फंक्शन है इधर से ए से बी में है, फंक्शन ए टू बी है, क्योंकि दो की एक इमेज हो सकती है, एक की दो इमेज नहीं हो सकती ना। उधर से चलो, उधर से गए, हमने ए से पूछा भैया आप किसकी इमेज हैं, इधर से ये इमेज है ना, तो वो कहेगा हम वन की भी इमेज है और टू की इमेज है, ऐसा हो सकता है। उल्ट अगर हमने कहा फंक्शन बन जाता, अगर आप इधर इमेज देख रहे होते तो आपकी इमेज कौन होती, इनकी इमेज वन भी होती, इनकी इमेज टू भी होती, अगर उल्टा फंक्शन होता तो क्या एक एलिमेंट की दो इमेज हो सकती है, नहीं हो सकती है, यानी ये फंक्शन नहीं है, इन्वर्टिबल नहीं है, उल्टा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ये मैनी वन आन टू है ना, आन टू तो है लेकिन ये मैनी वन है, तो नहीं ये फंक्शन कैसा है, ये मैनी वन आन टू है, मैनी वन आन टू है, और मैनी वन आन टू इन्वर्टिबल नहीं होता है, उसका उल्टा फंक्शन पॉसिबल नहीं होता है। यानी कि हमने कहा वन वन, अभी आप कहेंगे आपने वन वन बोला था, आपने क्या है को मैनी वन कर दिया, एग्जाम्पल समझाने के लिए। अब जरा हम क्वेश्चन को फिर चेंज करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा कि ये एक सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर है, इसमें ए बी सी डी है, वन का ए से, टू का बी से, थ्री का डी से, फोर का सी से, ये फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है क्योंकि हर एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेज हैं और कोई एलिमेंट छूटा नहीं है। उधर चलो, इधर पहुँचे, इधर अगर मैं इधर से इधर फंक्शन लेता, मैं रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इधर उधर से आएंगे तो ए इमेज होगा वन के, उल्टा करेंगे तो ए की इमेज वन, बी की इमेज टू, सी की इमेज थ्री, डी की इमेज फोर, यानी ये इन्वर्टिबल है। यानी कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो वन वन आन टू फंक्शन होगा। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल तब होगा जब वन वन आन टू होगा। यानी कि देखिए, अगर यहाँ पर एक्स f such that x y है तो g such that y to x भी डिफाइंड है। अब ये प्रॉपर्टी जो है ये क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम एक एग्जांपल बताते हैं कि कोई फंक्शन देंगे हम और आपसे कहा जाएगी ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है, इसका इन्वर्स पॉसिबल है कि नहीं है। तो इन्वर्स पॉसिबल होने की कंडीशन क्या बताई गई कि वो फंक्शन वन वन आन टू होना चाहिए। ये हमने डेफिनेशन लिख ली है, आप नोट कर लीजिएगा, हम जब इस डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे तब इसको दोबारा लिखेंगे, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल लिया कि एफ सच दैट आर टू आर इज अ फंक्शन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज फंक्शन इन्वर्टिबल। क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, मतलब इधर से तो आपका वन वन मतलब फंक्शन है, जो फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, उधर से फंक्शन है कि नहीं है, अगर उल्टा कर दें तो। अभी हमने कहा कि फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, इट शुड बी वन वन आन टू। तो हम क्या वन वन के लिए, यानी कि फॉर इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स, यानी कि प्रतिलोम यानी कि उल्टा, इन्वर्टिबल फंक्शन जो इसको इन्वर्स फंक्शन कहते हैं, फंक्शन इट शुड बी वन वन आन टू। वन वन आन टू का दूसरा नाम है बाइजेक्टिव, ठीक है। वन वन का इंजेक्टिव, आन टू का सर्जेक्टिव, दोनों मिला के बाइजेक्टिव, पढ़ा है ना आपने। अब पहले वन वन की बात कर लेते हैं, फॉर वन वन। अब वन वन कैसे प्रूव करते हैं, ये हमने पहले से वीडियो बना रखा है, ये आप इन्वर्स भाई फंक्शन पढ़ चुके होंगे तभी तो इस एक्सरसाइज पहुंचे होंगे। देखो वन वन के लिए क्या करते हैं, वन वन के लिए इस डोमेन में हम दो एलिमेंट मानते हैं एक्स वन एक्स टू, और ऐसा मानते हैं कि दोनों की इमेज सेम कर देते हैं। मतलब ये जो डोमेन, इधर का जो डोमेन है ना, इधर का को डोमेन है, तो इधर दो एलिमेंट एक्स वन एक्स टू मानते हैं और फिर कहते हैं दोनों की इमेज सेम है। दो अलग अलग एलिमेंट के इमेज सेम तो वन वन कैसे हुआ, लेकिन बाद में हम प्रूफ कर देंगे कि दोनों एलिमेंट जो है ना वो इक्वल है, ठीक है। तो देखिए हमने माना कि लेट फॉर वन वन देखते हैं, हमने मान लिया लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर, आर कौन सा डोमेन वाला आर, एक डोमेन वाला आर है और ये को डोमेन वाला आर है, सच दैट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। यानी कि यहाँ से क्या आएगा, एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, तो भैया जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो प्लस माइनस एक्स टू आएगा ना, इक्वल तो नहीं आया, ये प्लस माइनस एक्स टू आया ना, सो इट इज नॉट वन वन ना, सो इट इज नॉट वन वन,
नॉट वन वन, ये मैनी वन है, जब वन वन नहीं है तो ये इनवर्टिबल नहीं होगा। बोले क्यों, मैं एग्जांपल देता हूँ, सो इट इज़ नॉट इनवर्टिबल, सो इट इज़ नॉट इनवर्टिबल, इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। क्यों भैया, अगर एफ वन लिखोगे तो वन का स्क्वायर वन, एफ माइनस वन लिखोगे इसका भी वन, तो आप देख रहे हो कि वन और माइनस वन की इमेज सेम है जबकि दोनों सेम नहीं है। जब ये वन वन आन, वन वन आन टू की बात छोड़ो भाई, आप आन टू प्रूव करो, आन टू से हमसे क्या मतलब, जब वन वन ही नहीं है तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। समझ में आई बात? तो ये आपका एक एग्जांपल है कि किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल है कि नहीं है, कैसे प्रूव किया जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप कहेंगे भाई हम चाहते आन टू भी दिखाई देते हैं, आन टू दिखा दो कि आन टू है कि नहीं है। मतलब अपन एक क्वेश्चन आ गया कि वन वन आन टू प्रूव करो, इन्वर्टिबल छोड़ो, एक तरीके से एक क्वेश्चन दूसरा हम बना रहे हैं कि आपको इन्वर्टिबल नहीं करना है, वन वन आन टू करना है। तो हमने क्या कहा कि हम इसमें क्या करेंगे कि एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो आन टू के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये वाई निकलता है ना, वाई बोले तो जो एफ सच दैट आर टू आर है, वाई बोले तो डोमेन का एलिमेंट, तो हम क्या करते हैं एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में लिखते हैं, रूट वाई आएगा, सो एफ रूट वाई इज इक्वल टू वाई आ गया। तो क्या इस डोमेन की हर रियल वैल्यू के लिए को डोमेन में रियल मिल रहा है, सॉरी उल्टा बोल गए, जब उल्टा हम जाएंगे तो क्या को डोमेन की हर रियल वैल्यू के लिए डोमेन में रियल मिल रहा है? नहीं भैया, जब आप यहाँ पर जाओगे ना इस वाले रियल में और यहाँ माइनस टू से पूछोगे, माइनस टू बोले तो वाई की एक वैल्यू और यहाँ पर एक्स बराबर क्या है, अंडर रूट वाई, वाई से पूछोगे माइनस टू से कि आप किसकी इमेज हो, किसकी हूज इमेज यू आर, तो कहेगा दादा हम रूट माइनस टू की इमेज हैं। तो क्या रूट माइनस टू यहाँ पर एग्जिस्ट करता है? नहीं। तो आप लिखेंगे फॉर नेगेटिव वाई बिलोंग्स टू आर, कौन सा आर, को डोमेन अंडर रूट माइनस वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर कौन सा, डोमेन, सो इट इज नॉट आन टू, इट इज नॉट आन टू, ये आन टू साहब भी नहीं है, इसलिए ये ना तो वन वन है ना तो आन टू है, यानी कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। राइटिंग गंदी है लेकिन मैंने बोल भी दिया है कि डोमेन लिखा हुआ है, दोबारा लिख देते हैं, ये को डोमेन लिखा हुआ है, दोबारा लिख देते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपका ये एग्जाम्पल हुआ। अब जैसे क्वेश्चन अगला हो गया एफ सच दैट एन टू एन है, फंक्शन वही है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, लेकिन एन टू एन है, तो अब ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है, तो वही तरीका, इट शुड बी वन वन आन टू, पहले फार वन वन ले लेते हैं, फार वन वन कि वन वन है कि नहीं है। क्या तरीका होता है, इस डोमेन के दो एलिमेंट मानते हैं, लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एन, कौन सा एन, डोमेन वाला एन, डोमेन ऑफ फंक्शन डी एफ लिख दें, भाई एन दो है ना, तो ये जो आपने एलिमेंट एज्यूम किए हैं वह कहाँ से उठा के लाए हो, तो हम कहेंगे डोमेन से उठा के लाए हैं, सच दैट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो ये क्या आएगा, एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, तो एक्स वन की वैल्यू भैया प्लस माइनस एक्स टू नहीं होगी, केवल एक्स टू होगी, क्यों, क्योंकि माइनस एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता ना उसमें, ये नेचुरल नंबर है, नेगेटिव है ही नहीं, सो इट इज वन वन, सो इट इज वन वन, ठीक है। अब देखिए लफड़ा ये है कि ये आपका डोमेन है नेचुरल नंबर और आपका को डोमेन भी है नेचुरल नंबर, यहाँ भी एलिमेंट वन टू थ्री फोर, यहाँ भी एलिमेंट वन टू थ्री फोर फाइव है, वन का स्क्वायर किया तो वन इमेज, टू का स्क्वायर फोर इमेज, थ्री का स्क्वायर नाइन इमेज, तो देखने में लग रहा है कि बीच वाले एलिमेंट कोई भी इमेज नहीं बन रहे, तो ये आन टू तो नहीं हुआ है देखने से लग रहा है, लेकिन मैथमेटिकली कैसे हम दिखाएं, तो आन टू दिखाने का तरीका देखिए, आन टू के लिए बात करते हैं, फॉर आन टू का तरीका क्या होता है, आन टू में हमने कहा था कि हमको को डोमेन के पास जाना पड़ता है या हर एलिमेंट से पूछना पड़ता है कि आप किसकी इमेज हो, वो अपनी प्री इमेज को बताता है कि भैया हम वन के पास जाएंगे, हमने वन से कहा आप किसकी इमेज हो, उसने कहा हम अंडर रूट वन की इमेज हैं, यानी वन की इमेज है, वो वहाँ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो देखिए उसके लिए हमको वाई के पास जाना पड़ेगा ना, और यहाँ तो फंक्शन एक्स का है, तो हम क्या करेंगे वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में निकालेंगे, तो हमने क्या बताया था, ये वाई तो देता है आपको, हमने कहा था एक्स स्क्वायर को वाई मान लो, एक्स की वैल्यू वाई की टर्म में लिखो, सो
जो एफ एक्स है ना, तो एफ अंडर रूट वाई इज इक्वल टू वाई। होता क्या है, जब आप एक्स के पास जाते हो तो वैल्यू तो वो वाई देता है, लेकिन वो एक्स के टर्म में देता है। आप जो भी दोगे हमारे बारे में तो अपने टर्म में दोगे, मेरे सर, मेरे टीचर, और मैं जब इधर से आपकी बात करूँगा तो आप मेरे हैं, मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चे, मैं बोलूँगा ना, तो मैं अपने टर्म में आपको बताऊँगा, आप अपने टर्म में हमको बताएंगे। तो जब मैं इसके पास जाऊँगा तो वाई एक्स की वैल्यू तो देगा, लेकिन वाई के टर्म में देगा, इसलिए एक्स क्या लिख दिया, रूट वाई। अब देखो ध्यान से, अगर मैं वाई टू ले लेता तो टू से पूछता आप किसकी इमेज हो, वाई को टू ले लेता को डोमेन में, तो कहता डोमेन में रूट टू है ना, उसकी मैं इमेज हूँ, क्या रूट टू यहाँ डोमेन में है, नहीं है। तो आप लिखेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेंगे कि फॉर टू बिलोंग्स टू वाई, वाई बोले तो को डोमेन का एलिमेंट है ना, पूरा लिख दो को डोमेन। अंडर रूट टू डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बोले तो डोमेन ऑफ एफ, सो इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं हुआ। समझ बात आई नहीं आई भाई, इस एलिमेंट के लिए हम टू, अगर यहाँ पर रूट टू होता, अगर यहाँ रूट टू होता तो रूट टू का स्क्वायर करते तो टू इमेज बनता ना, तो टू से हम पूछेंगे आप किसकी इमेज हो, तो कहेगा रूट टू की इमेज है, क्या रूट टू यहाँ पर है, नहीं है, तो इसका मतलब टू किसी की इमेज नहीं होगा, तो ये आन टू नहीं है। अब ये वन वन तो था लेकिन आन टू नहीं है, सो इट इज नॉट इन्वर्टिबल, सो इट इज नॉट इन्वर्टिबल, ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। अब आप कहें दद्दू एक क्वेश्चन इन्वर्टिबल का तो बता दो, नॉन इन्वर्ट को नॉट इन्वर्टिबल, रुक जाइए आने दीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एफ सच दैट एन टू वाई बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री, वेयर, तो कह रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री, वेयर वाई इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, y इज इक्वल फोर एक्स प्लस, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम उसके बारे में बाद में बात करते हैं। ये एन सी आर टी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पहले कहते हैं कि फंक्शन है f such that n to y, y कोई भी सेट है, और y के बारे में कहा गया कि जो y है ना वो भी आपका नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन y किसके बराबर है, फोर एक्स प्लस थ्री के बराबर है। भाई ये जो एफ एक्स देता है वाई देता है, तो बताना ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है, और उसके लिए f इनवर्स निकालिए। सावधान, इन्वर्टिबल के लिए कंडीशन क्या होती है कि वन वन आन टू होना चाहिए। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं, जो फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन मैंने बताई थी, मैं उसको आप पकड़ता हूँ। वहाँ क्या कहा गया था, वहाँ कहा गया था कि एक फंक्शन है एक्स से वाई के बीच में, जो कि है एन से वाई के बीच में, तो एक फंक्शन और भी होना चाहिए जो वाई से एक्स के बीच में हो। तो एक फंक्शन डिफाइन करो जो वाई से एक्स के बीच में हो, ठीक है। तो इन्वर्स के लिए भी हम एग्जांपल जब कर रहे थे तो इन्वर्स के लिए हमको वाई के पास जाना पड़ रहा था और वाई से पूछना पड़ रहा था आप किसकी इमेज हो, तो वाई अपने टर्म में एक्स के लिए बता रहा था। तो सबसे पहले आप इसको क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे, लेट फोर एक्स प्लस थ्री की वैल्यू क्या मानेंगे, वाई। तो यहाँ से एक्स क्या निकलेगा, वाई माइनस थ्री अपान फोर। वाई क्या है, ठीक है, देखिए वाई कुछ भी आप रखिए, वाई क्या है, y को डोमेन है ना, पहले उसका को डोमेन है ना। तो जब आप यहां पर y कुछ भी रखोगे तो आपको मिलेगा क्या, x मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब y कुछ भी रखो तो x मिल रहा है, और x क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी y की कुछ भी वैल्यू रखने पर आपको नेचुरल नंबर मिल रहा है। y हमने नहीं कहा, आप ही कह रहे हो ना कि y माइनस थ्री अपान फोर इज इक्वल टू x, तो y रखने पर नेचुरल नंबर मिल रहा है ना, तो यानी कि y रखने पर नेचुरल नंबर मिल रहा है क्योंकि y ऑलरेडी नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ, सो g सच दैट y टू n भी यहां पर एग्जिस्ट करता है। नहीं समझे, चलिए दूसरी तरीके समझ लेते हैं, ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको, समझ लेते हैं। देखो ये फंक्शन था, ये फंक्शन था, ये नेचुरल नंबर था, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, टिक टिक टिक, और यहाँ पर कोई वाई सेट था, और वो सेट बना कैसे, इस वाले रिलेशन से बना। जब मैंने एक्स को वन रखा तो चार एकम चार तीन सात, तो यहाँ सात आया और वन की इमेज आ गई सेवन, वो अपने आप सेट नहीं बन रहा है,
वैल्यू रख करके बन रहा है। एक्स को टू रखा हमने तो चार दुनी आठ तीन ग्यारह, तो यहाँ पर आ गई वैल्यू ग्यारह। टू से लिखेंगे तो ग्यारह चार पंद्रह, चार से लिखेंगे तो पंद्रह चार उन्नीस, पाँच से लिखेंगे तो उन्नीस चार तेईस। आप कहेंगे बिना कैसे निकाले, निकाल दिया, निकाल दिया। देखो अगर ये nth टर्म मान लिया जाए, ये डिग्री वन है, तो आपने पढ़ा था फोर कॉमन डिफरेंस होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो हमने चार चार जोड़ दो अपने आप वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो अगर मैं उधर से चलूँ इन्वर्स निकालने के लिए, तो मैं सेवन से बोलूँगा भैया जी आप किसकी इमेज हो, तो कहेगा मेरी प्री इमेज वन है। तो देखो एग्जिस्ट करती नहीं करती है, थ्री की इमेज एलेवन, एलेवन की प्री इमेज टू, थ्री की फिफ्टीन, फिफ्टीन की प्री इमेज थ्री। तो अगर उल्टा फंक्शन करेंगे तो सेवन की इमेज वन, एलेवन की इमेज टू, फिफ्टीन की इमेज थ्री, हो रही नहीं हो रही है, यानी इधर भी नेचुरल नंबर है कि नहीं है, तो वाई भी नेचुरल नंबर से फंक्शन बना रहा है, तो ये फंक्शन भी डिफाइंड हो रहा है, हो गया डिफाइंड कि फंक्शन तो है। ठीक है, अब क्या कहा गया, ये इन्वर्टिबल की डेफिनेशन जो बताई थी ना वो हम आपको डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन्वर्टिबल में फंक्शन क्या बताया गया, डेफिनेशन क्या बताई गई, बताया गया कि अगर f such that x to y एक फंक्शन है तो एक g भी फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, g such that y to x, वो डिफाइंड हो गया। अब उसकी डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन कह रही है उसकी जो फंक्शन की बताई गई है, कहाँ लिखी है कि cos x अगर हम निकालें cos x तो वो ix होना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए। गॉफ एक्स का मतलब क्या होता है, गॉफ एक्स में जो आप एक्स लिखेंगे ना वो एफ का डोमेन लिखेंगे, और एफ का डोमेन कौन है, नेचुरल नंबर है, यानी एक्स है ना। और जब तो निकाला जाए जरा, नाउ गॉफ एक्स निकालते हैं, ये जगह उसको हटाते हैं वहां से, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा। अब जरा गॉफ एक्स निकालते हैं, गॉफ एक्स, तो गॉफ एक्स बोले तो जी एफ एक्स है ना, और जी और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, फोर एक्स प्लस थ्री, फोर एक्स प्लस थ्री। अब ये जी आ गया, ठीक है, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स, ये जी एक्स है ना, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपान फोर है ना, जो जी के पास आएगा वो यहां लिखा जाएगा, यहाँ x लिखो चाहे y लिखो, अगर y लिखोगे तो y माइनस थ्री अपान फोर, यहाँ x लिखोगे तो x माइनस थ्री अपान फोर, तो x यहाँ क्या रख दोगे, ये रख दो यहाँ उठा करके, तो आ जाएगा 4x प्लस थ्री माइनस थ्री अपान फोर, थ्री थ्री कट गया, फोर फोर कट गया, x आ गया, x किसका एलिमेंट है, f का एलिमेंट है ना, तो f आपसे यही तो कह रहे हैं कि आई एक्स आएगा, अगर गॉफ एक्स करें तो आई एक्स आएगा। देखो गॉफ एक्स आई एक्स आ रहा कि नहीं आ रहा, आ गया। अब क्या करेंगे, फॉग वाई निकालेंगे, अब इसको रब करते हैं, फॉग वाई किसके को लाना चाहिए, वाई के, तो सेकेंड पार्ट फॉग वाई निकालते हैं, फॉग वाई, वाई किसका डोमेन होता है, जी का डोमेन, उल्टा जब करेंगे ना तो इसका डोमेन होगा, तो इसको आप एफ जी एक्स लिखेंगे ना, और जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस थ्री अपान फोर, भाई जी वाई वाई माइनस थ्री अपान फोर, तो जी जी एक्स क्या होगा, एक्स माइनस थ्री अपान फोर, तो एफ एक्स माइनस थ्री अपान फोर, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये है ना, तो एक्स की जगह लिख दो, तो क्या आएगा, फोर इंटू एक्स माइनस थ्री अपान फोर, अच्छा वाई लिखा था, यहाँ वाई लिख दो, यहाँ वाई लिख दो, यहाँ वाई लिख दो, यहाँ वाई लिख दो, और प्लस थ्री, फोर फोर कट गया, वाई माइनस थ्री प्लस थ्री वाई, देखो वाई वाई आ गया नहीं आ गया, सो इट इज इन्वर्टिबल, सो इट इज इन्वर्ट। अब कहते हैं इसकी इन्वर्ट फंक्शन क्या होगा, यही फंक्शन आपका इन्वर्स फंक्शन होगा, यानी जो एफ इन्वर्स एक्स होगा ना वो क्या होगा, x माइनस थ्री अपान फोर होगा। समझ में आई बात नहीं आई, तो ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन का कंसेप्ट है, एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा रहने दीजिए, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक एक इसकी प्रॉपर्टी बता देते हैं इन्वर्ट इन्वर्स में, तो मज़ा आ जाए, इन प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं करना है लेकिन बस बता देते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी जो इन्वर्टिबल फंक्शन होती है, पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी इन्वर्स का दोबारा इन्वर्स निकालोगे तो वही फंक्शन आएगा। बोले अरे वाह बड़ी भयंकर प्रॉपर्टी बता दी, जी हाँ बता दी तो बता दी। और दूसरी बात, अगर एफ बाइनरी जी करके इन्वर्स निकालते हो तो ये जी जी इन्वर्स बाइनरी एफ इन्वर्स आता है, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल इन्वर्स फंक्शन का फंडा है, इसको कर लीजिएगा।
इसकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है इसके बाद वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तब इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तब तक के लिए गुड आफ्टरनून, गुड डे।